इस पेपर से देखिए गाइस, हम पान नेक गला की कटिंग करने सीखेंगे। तो हमने इस तरीके से एक टू फोल्ड फैब्रिक लिया, वो सॉरी कागज़ लिया है। तो हम इसको इस तरीके से पहले तो यहाँ से इसे फोल्ड कर देंगे। हमें इसकी चौड़ाई है, जो हम चौड़ाई इसकी सिर्फ 3 इंच ही लेंगे। देखिए ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेनी है हमें, नहीं तो हमारे जो कंधे हैं, शोल्डर है, जो नीचे आने लगते हैं। तो इसलिए हमें इसकी चौड़ाई सिर्फ 3 इंच ही लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 इंच, इतने से ज़्यादा नहीं लेनी है। अब हम इसकी जो लेंथ है, लेंथ लेंगे हम 9 इंच। तो एक यहाँ से 9 इंच पर एक मार्क कर देंगे। अब उसके बाद पर हमें देखिए यहाँ से इस तरीका से हल्का हल्का मार्क करना है, ज़्यादा ज़्यादा गाढ़ा नहीं दिखना चाहिए। अब यहाँ से इस तरीका से इस प्रकार से यहाँ से देखिए थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन हमारा नेक बेकार नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हमारी जो ये वाली हमने लाइन पहले ड्रॉ की थी, हम इस पर इसकी कटिंग करेंगे। अब 1-1 इंच हम यहाँ से इसका मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरीके से हम पहले तो यहाँ इसको रख देंगे, और फिर यहाँ से देखिए अब हमें 1-1 इंच का मार्जिन लेना है। अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से ऐसे इस पर मार्क कर देंगे। हमें इस वाली लाइन पे कटिंग नहीं करनी है, ये हमारी थोड़ी यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से मिस्टेक हो गया था। हमें इस वाली लाइन पे कटिंग करनी है। तो हम पहले इस पर यहाँ से कटिंग कर देंगे, और फिर दोबारा इस पर यहाँ से कटिंग कर देंगे। हमारा नेक ये जो कंप्लीट हो गया, कटिंग होगी इसकी, बहुत ही इजी कटिंग करना है इसको। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आया है। अब यहाँ से हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओनली यहाँ से डोरी बांधेगी। तो देखिए कितना सुंदर और इजी नेक कटिंग करना है, इसे जो पान नेक शेप बोलते हैं।